कहते हैं कि ये कन्नौज लोकसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, आखिर यहाँ पर भाजपा ये तो आदमी का तो है। कहीं नून मिर्च मिल जाती कोठे पे, कहीं 2 किलो चावल मिल जाते हैं। मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं, आप 1 महीने में 5 किलो राशन देते हैं, क्या 5 किलो राशन में क्या मोदी जी 1 महीना खा सकते हैं बैठ के? कानून हमारे हिसाब से होना चाहिए कि जो ड्राइवर लोग पी के चलाते हैं दारू, तो दारू पर प्रशासन है प्रतिबंध लगाए, इनको पकड़ के जेल में ठाना हो चाहे कुछ भी करो, ड्राइवरों को दारू उनकी पीना बंद कराई जाए ड्राइवरों की। जैसे भगवान श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था ना, ऐसे इनका वनवास हो जाएगा। राम से रहे और कहा हमें कहा चाहिए। क्या क्या कार उसने भाजपा ने जो कार किया अभी तक आपको क्या पसंद आया? हमें सब पसंद है। क्या आप बताइए, जैसे 5 कार गिना दीजिए अच्छे काम आपको लगे हो जो हमें तो नहीं कुछ बताए। अच्छा, 2 काम 2-3 काम गिना दीजिए कोई अच्छे लग रहा है आपको लगे हो जिसे भाजपा पसंद है। अच्छे ही हैं। एक काम गिना दीजिए, कोई सा काम बताइए। एक काम तो जो है जो राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया है, समझ 3 से 7 बार ये हटाई दही, ये अच्छे ना ये खराब। अच्छा, ये इसके अलावा मतलब विकास कार्यों को लेकर आपको क्या पसंद है? विकास सब बढ़िया है। क्या जैसे कोई एक विकास बताइए कोई अच्छा लगा? विकास जो काम हो रहे तो अच्छे अच्छे ही हमें तो लगता है। कोई अच्छा एक विकास आपका हो दिमाग में अच्छा लगा हो कि उनको ये विकास बढ़िया किया उन्होंने, ये आपके दिमाग में? अब जो बढ़िया है सब सही है। आप किसान परिवार से आते हैं? अब किसान है यहीं है। आप किसान परिवार, आपको कोई लाभ मिला हो, कोई किसानों की योजनाएं आई हो उसके लिए कुछ सम्मान निधि दी चल रही यहाँ पर कुछ? हमें मिला कुछ ना ही, गरीब जनता मिलो तो हमें खुशी है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब आपको नहीं मिला लेकिन लोगों को मिला, उससे आपको उसको खुशी है? और काय गरीब जनता को मिला है तो अच्छा ही है। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर और साथ में मौजूद है और भी यहाँ पर? आज से ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, क्या सर्दी ज़्यादा है? हाँ सर, सर्दी बहुत ज़्यादा है। आग का मजा ले रहे हैं? आग का मजा ही ले रहे हैं। क्या हालात हैं, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? चुनाव को लेकर के हालात यहाँ पर तो सही हैं, लेकिन है जे बाबा कह रहे हैं वो तो, लेकिन हम तो यहाँ साड़ों से इतने परेशान हैं कि जिसकी तादाद से ज़्यादा। दादा काम हो रहा है कहीं पे, कोई तकलीफ नहीं आपको साड़ों से? अरे दादा को तो बुढ़ापा है, वो तो अपने हिसाब से कह रहे हैं, हम परेशान। हम रात में शाला में गायों को रखने के इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने के प्रबंध हैं, और फिर आप कहते हैं कि यहाँ पर आवारा घूम रही हैं? आवारा एक नहीं, आपको अभी है, 1 घंटे बाद देख लेना कितने इधर आएंगे। जब रात भर रखाते हैं वहाँ ले जाओ तो वो उसमें जो हैं वो भी मर रहे हैं, उनकी दशा चेक करो तो ये क्या भूसा मिल रहा क्या। गायों के घूमने से सरकार की क्या नाकामी, क्या आपको लगता है सरकार की वजह से घूम रही है? तो आवारा घूम रही है, सरकार ने तो गौशालाएं बनवाई हैं, फिर क्या हो रहा, क्यों नहीं बंद हो रही जी? अब इसके लिए कहते थे कि पकड़वाएंगे, पकड़ के बंद करी जाएंगे, टीमें लगाएंगे, कभी नहीं टीमें लग रही हैं, कुछ ना कोई पकड़ने आ रहा है। तो सरकार से आप खुश नहीं है क्या? हम तो नहीं खुश हैं। दादा तो कह रहे बहुत अच्छा काम हुआ अभी, दादा ने कहा था अभी बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत संतुष्ट है। काम तो अच्छा ही भाई जो हमने बताया, ये तो दादा बता रहे कि बहुत मतलब हम कहा बताए, आवारा जानवरों तो बहुत परेशान है। अब आए जनता डेले पे कह रहे हैं कि हम रात भर घूमते हैं यहाँ पर, खेती रखाते हैं, अब गैया सब डेली ही फेंकती है, क्या कर भैया? तो क्या ये वजह है सरकार, क्या मतलब क्यों ये ऐसा? तो हम कहा बताए सरकार, अभी आप कह रहे बहुत अच्छा काम हो रहा था। अच्छा ही है, ये तो आपके पास में ये खड़े बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जो पास हैं ये दो काम अच्छे ही भाई है। कौन से? बहुए हटाएगो और मंदिर बनवाओगो, लड़ाई झगड़ा का जो शांति भाई तो सही है भाई। नहीं बहुत तो सब कुछ सही है, विकास को लेकर बात हो रही है, विकास के मुद्दों पे चर्चा चल रही है, और जो आवारा जानवर घूम रहे उन पे शिकायत है अभी भाई साहब कर रहे हैं उसको तो लेकर ले, हम क्या कर रहे हैं बता नहीं तो अपील तो कर सकते हैं कि सरकार से कि इन्हें जानवरों को क्या किया जाए इनके लिए। अब हम नहीं कछु बता पाए तो वहीं कछु करा, हम उसमें क्या कर, तो आपकी आवाज को हुकूमत तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो वहीं करा, आपकी आवाज को पहुंचाने का काम है मेरा। हां है तो उनकी बात को सुनो भाई, उनकी बात ही को तो सुन रहे हैं दादा, कह रहे उनकी बात को सुनिए क्या कह रहे हैं वो। हमको तो सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को इन गायों से है, रात भर ठंड में जाते हैं और परेशान रहते हैं, रखाते हैं फसल भी फिर भी सारी खा जाती है। तो क्या इस वक्त क्या बोया हुआ आपने? हमारे में बोने का सरसों है, गेहूं है, आलू है,
और वो सब पे नुकसान हो रहा है, सब पे नुकसान हो नहीं रहा है, हो रहा है क्लियर है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील यही करना चाहेंगे, इनको है पकड़ के गौशालाओं में बंद किया जाए, और ना किया जाए तो हम लोगों को छूट दी जाए, पकड़ पकड़ उनमें ले जाए तो वे बंद तो करते रहे, लेते नहीं है उसमें। तो क्या परिवर्तन होगा 24 में कि वही रहेगा मामला, क्या लगता है आपको? हमको तो ये लगता है कि परिवर्तन गारंटी से होगा, बचेगा नहीं, क्योंकि अभी ये कानून और लागू किया है। कौन सा? ये ड्राइवरों वाला है। क्या लागू कर? उसमें ये जो कर दिया लागू है कि ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए, और ड्राइवर तो घर घर हैं, मोटरसाइकिल वाले भी ड्राइवर है, और सबके पास ये ड्राइवर घर के पास सबके पास साधन है, सभी तो ड्राइवर हो गए कि नहीं है। क्या ये कानून? जी कानून तो सही नहीं है। क्या होना चाहिए आपके साथ? क्या होना चाहिए फिर? क्या आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का कानून रहे? कानून हमारे हिसाब से होना चाहिए कि जो ड्राइवर लोग पी के चलाते हैं दारू, तो दारू पर जो प्रशासन है प्रतिबंध लगाए, इनको पकड़ के जेल में ठाना हो चाहे कुछ भी करो, ड्राइवरों को दारू उनकी पीना बंद कराई जाए ड्राइवरों की। 24 को चुनाव को लेकर क्या चल रहा मन में, क्या होगा? क्या लगता है अखिलेश यादव चुनाव मैदान में आ सकते हैं, कि सीट का परिवर्तन हो सकता है या वही रहेगा मामला, क्या आपके मन में चल रहा है? मेरे तो मन में ये है कि कायदे में तो परिवर्तन हो जाना चाहिए, मौका इनको भी मिलना चाहिए। सबसे बेहतरीन चीज ये रही है कि ड्राइवरों के लिए जो पी के गाड़ी चलाते हैं उनको जेल में बंद करना चाहिए, ये दादा का कहना है। बहुत अच्छा जवाब यहाँ पर उन्होंने दिया है, और भी आगे बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि हम इधर से निकला हुआ मेरा तो काफ़ी लोग बैठे आग के किनारे ताप रहे थे, तो हमने देखा कि लांसी सवाल ग्राउंड बनाई जाए, हालात 2024 को लेकर जाने जाएँ कि आखिर क्या मामला चल रहा है 24 के चुनाव में, लोगों के दिलों में और दिमागों में क्या है, क्या 2024 को लेकर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद आप लोगों का, ये है जो आपने मुझे अवसर दिया है बोलने के लिए। 2024 में श्री समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव, ये कन्नौज लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव ही जीतेंगे, और ये देश मोदी देशभक्त बन रहा है, ये देशभक्त नहीं बन पाएंगे, देश बेच रहे हैं, ये देश बेच रहे। दादा तो ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम हुआ अभी तक है और बहुत प्रसन्न खुश हैं, आप कह रहे हैं कि देश दादा का हाँ बुढ़ापापन आ गया है, वो सिर्फ चारपाई का इंतजार करते रहते सारे दिन, जानवर तो और वो खेती तो देखते नहीं है ना, उनके बच्चे नौकरी लगने के लिए रह गए, अब दादा को सिर्फ चार रोटियों से मतलब है, कहीं नून मिर्च मिल जाती कोठे पे, कहीं 2 किलो चावल मिल जाते हैं। मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं, आप एक महीने में 5 किलो राशन देते हैं, क्या 5 किलो राशन में क्या मोदी जी एक महीना खा सकते हैं बैठ के? उनसे पूछा जाए आप लोगों के माध्यम से कि 5 किलो राशन में एक महीना काट सकते हैं? गरीब जनता को ऐसे लुभा लुभा करके उनको परेशान कर रहे हैं, देश लूट रहे हैं, आप बता रहे कि दादा कह रहे 5 किलो राशन में खरीदना चाहते हैं, और नई सच्चाई है उनके अंदर तो ईवीएम बंद करवा करके बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें एक बार, उनको औकात पता चल जाएगी कि देशभक्त क्या है वो। अच्छा, आपका आरोप ये है कि ईवीएम की वजह से चुनाव जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या ये सही है? मतलब बहुत से लोग तो कहते हैं ईवीएम में कोई लफड़ा नहीं है। 101% ईवीएम गलत है, और ये चोर है चोर, और बहुत निकम्मा सरकार ये है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा अगर ये बने रहे तो इस देश में जितने किसान नौजवान लोग हैं वो खेती मजदूरी कराएंगे, मजदूरी सारी जमीन भी हड़प लेंगे, तुमसे मजदूरी करवाएंगे, तुमको खाने को तुमको अनाज देंगे वो खाने के लिए।